दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़हलगंज लाल डिग्गी पर बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का किया वितरण। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। शुक्रवार को कैंपियरगंज में बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री वितरण करने के बाद वाराणसी के लिए करेंगे प्रस्थान। सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण कर जिले में बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। बड़हलगंज और लाल डिग्गी में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम योगी, राहत सामग्री का किया वितरण। कहा, अप्रत्याशित बाढ़ आपदा का युद्ध स्तर पर सामना कर रही है सरकार। आपदा की घड़ी में हर पीड़ित के साथ खड़ी है सरकार। नशे की कारोबार करने वाले किशन कुमारी उर्फ पंडितायन की लगभग 13.5 करोड़ की अवैध कारोबार से बनाई हुई संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार सदर व शाहपुर थाने की पुलिस ने किया कुर्क। एसपी सिटी ने कहा, पंडितायन के ऊपर गैंगस्टर सहित कुल 15 मुकदमे थे दर्ज, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। विशेष जेल लोक अदालत का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के निर्देश पर किया जा रहा है आयोजन। 2 मामलों का किया गया निस्तारण। 14 व 15 को भी लगेगा जेल लोक अदालत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। महिला जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड सेंटर पर आए दिन हो रहे विवाद और पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड करने के आरोपों का गोरखपुर न्यूज की टीम ने किया रियलिटी चेक। सुबह 8:10 पर अल्ट्रासाउंड कक्ष के नंबर 22 और 23 पर लटका हुआ मिला ताला। यहां तक कि पर्ची काउंटर पर भी नहीं मिला कोई कर्मचारी। मरीज और मरीजों के तीमारदारों ने पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड करने का लगाया आरोप। जिला महिला अस्पताल के SIC ने आरोपों से किया इनकार। कहा, 4 मशीनों पर केवल 2 डॉक्टर ही होने से हो रही है थोड़ी दिक्कत। पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड करने के आरोपों की कराएंगे जांच। बारिश और बाढ़ के बीच जनपद में डेंगू का बढ़ता ही जा रहा है खतरा। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या हुई 43। जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में 25 बेड की है व्यवस्था, मात्र 3 मरीज हैं भर्ती। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने नागरिकों से की अपील। कहा, तेज बुखार होने पर तत्काल अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में करें संपर्क। सभी प्रकार की दवाइयां व जांच निःशुल्क है उपलब्ध। चौबीस घंटे के अंदर मोबाइल लूट करने वाले अभियुक्त गौतम कुमार को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। बैंक वसूली, विद्युत वाद, ई चालान सहित अन्य मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जनपद में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से है अलर्ट। बनाई गई हैं 86 बाढ़ चौकियां। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के लोगों के लिए 16 मोबाइल टीमों का किया गया है गठन। CMO ने कहा, किसी भी रोग या संक्रामकता की स्थिति में डायल 108 या 102 पर करें संपर्क। सेवा के लिए हमेशा तत्पर है स्वास्थ्य विभाग। चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य अजय राजभर को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 50 ग्राम नशीला पाउडर किया बरामद, खींचा जेल। और जनपद में राप्ती नदी के जलस्तर में आई है गिरावट, जबकि सरयू नदी के जलस्तर में हुई है बढ़ोतरी। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी।